हम भी वालिद साहब जुमे की नमाज पे पढ़ने पे ले जाया करते थे, ज़बरदस्ती उनकी इज्जत करता था इसलिए मैं चला जाता था, और फिर ईद की नमाज। लेकिन उसके अलावा मेरा कोई ईमान नहीं था। एक हम जिस तरह ज़्यादा होते हैं ना मुसलमान घरों में पैदा होते हैं, हम भी घरों से जो एक किस्म का कल्चर होता है, लेकिन अंदर ईमान नहीं होता। तो ये जो मैं इस सफ़र तय करके पहुंचा हूं, ये अपनी जिंदगी के तजर्बे से मैंने सीखा है। मैं जो ये सच पे पहुंचा हूं, ये एक बड़ा लंबा सफर था, और ये सफर तो चलता जाएगा क्योंकि एक समुंदर है ईमान। आप इसकी कितने दर्जों पे पहुंचते जाएं, जितने भी जिंदगी में आप इबादत करेंगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कितना कम पता है कि कितना ये बड़ा सफर है। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहले पहुंच गया, और वो ये नतीजा है कि हम दुनिया में रोल मॉडल्स ढूंढते हैं। क्रिकेट में जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था तो मेरे रोल मॉडल थे, वो बदलते जाते हैं, लेकिन आपके हर वक्त कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूं। और मैंने ये जब मैं बड़ा हो रहा था और बड़े सबसे मेरे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में भेजा, वहां हमें कभी नहीं यह एहसास हुआ कि हमारा रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनना चाहिए। लेकिन जो रोल मॉडल थे वो और थे, कोई फिल्म एक्टर्स थे, कोई पॉप स्टार्स थे, कोई खिलाड़ी थे। हमें ये समझ ही नहीं थी कि जो दुनिया में सबसे अजीम रोल मॉडल है उसके ऊपर हमें हमारे स्कूलों में हमारी जो तालीम थी उसने हमें उस तरफ नहीं लेके गया। तो मैं जो ये पहुंच रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से पहुंचा हूं, और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया। और ये मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की, ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये मुझे कहें कि ये वोट लेने के लिए बातें कर रहा है। मैंने इसलिए